इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ डेल का बोस्टो का 2520 है, जो बहुत ही पुराना है, 2013 का है। और अगर ऐसे पुराने लैपटॉप है जो बहुत स्लो काम कर रहे हैं और आपको उनको स्पीड अप करना है, तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस उसका SSD हार्ड ड्राइव की जगह पे SSD लगा देना है, और हार्ड ड्राइव को कैडी में करके उसका DVD राइटर के पास चेंज कर देना है। ऐसा करने से आपका लैपटॉप का जो स्पीड है 10 गुना फास्ट हो जाता है, और पहले के मुकाबले चलाने में बहुत ही स्मूथ और अच्छा लगता है। चलिए मैं अभी आपको इसको कैसे चेंज करना है डेल वेस्टो 2520 में, सारा आपको डिसेंबल करके और हार्ड डिस्क कैसे उसमें सेट करेंगे, कैसे निकालेंगे और लगाएंगे, सारा चीज़ उसमें बताएंगे। SSD को कहाँ प्लेस करना है, कैडी कैसे लगता है, सारा चीज़ बताएंगे। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि आप अपना लैपटॉप में SSD कैसे इंस्टॉल करेंगे। ये मैंने SSD खरीद के लाया 512 MB का, 512 GB का। अभी इसी को इसमें इनबिल्ट करेंगे। इस लैपटॉप में मेरा पहले से SSD लगा हुआ है, लेकिन वो थोड़ा कम स्टोरेज का है, तो उसी को एक्सचेंज करना है। सबसे पहले आप ये माइनस वाला जो पेचकस होता है उसको ले लें, उसके बाद यहाँ पे ये रहते हैं, इसको अंदर दबा के इसको ऊपर की ओर खींचना है। इसके बाद इसको आप इसे खींचे अंदर अपने, और उसके बाद यहाँ एक लॉक रहता है, इसको ऊपर की ओर खींच के और कीबोर्ड को खोल दें और कीबोर्ड का साइड कर लें। उसके बाद यहाँ पे जो ब्लैक कलर का दिख रहा है, आपको पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कैमरा कर पा रहा है नहीं, इसको ऊपर की ओर खींचना है। ऊपर की ओर खींचने के बाद इसको सावधानी से निकाल देना। इससे पहले आपको सबसे पहले जो काम करना है वो मैं भूल गया करने के लिए, आपको अपना बैटरी डिस्कनेक्ट कर देना है ताकि कोई भी कंपोनेंट ख़राब ना हो। उसके बाद जितने भी प्रकार के USB केबल ये सब हो, ये सब को आपको निकाल लेना है। मैं सबको साइड रख लेता हूँ। उसके बाद आपको जिस भी प्रकार का आपका स्क्रू रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको अपना पेचकस को चूज करना है, और जितने भी नट्स दिए हुए रहेंगे उनको खोलना है। मैं फटाफट सबको खोल लेता हूँ यहाँ पे। अब आपको अच्छे से देख लेना है कि कोई स्क्रू इसमें रहना गया हो, क्योंकि रह जाएगा तो खुलेगा नहीं, जैसे कि मेरा यहाँ पे फंसा हुआ है। और शायद ये स्लिप कर जा रहा है। ये पूरी तरीके से स्लिप कर जा रहा है, अब इसको खोलने में मुझे परेशानी होगी बहुत। चलिए ये माइनस वाला से खुल गया। आपको सारे स्क्रू आराम से खोल लेने हैं ताकि कोई भी स्क्रू यहाँ पे रह ना जाए, क्योंकि अगर एक भी स्क्रू यहाँ पे लगे रह गया तो आपका ये कैबिनेट नहीं खुलेगा, फिर आप उसको चेंज नहीं कर पाइएगा। तो देख सकते हैं सारे स्क्रू आ गए, ये दो स्क्रू ख़राब है जो बाहर नहीं आ रहे हैं। उसके बाद सारे के सारे स्क्रू आ गए बाहर। अब आपको यहाँ से पकड़ के इसे ऊपर की ओर खींचना है,
उसके बाद ये उठने लगेगा, आप देख सकते हो उठ रहा है ये। आपको आराम आराम से करना है, ज़्यादा फोर्स नहीं करना है, नहीं तो कैबिनेट टूट भी सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे नट्स हैं जो मैंने नहीं खोला है, जिसके कारण ये नहीं खुल रहे हैं। तो आप फिर से जो भी स्क्रू इसमें लगा हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको अपना टूल सेलेक्ट कर लेना है। और आप देख सकते हैं ये आराम से खुलने वाला है। तो उससे पहले आपको यहाँ पे जो दिख रहा है, यहाँ पर भी आपको एक कनेक्टर है, इसको उठा लेना है। ये पावर स्विच का कनेक्टर है, और उसके बाद इसको सावधानी से बाहर निकाल लेना है। देख सकते हैं ये पूरी तरीके से निकल गया है, सारे कनेक्टर को आपको आराम से बाहर निकालना है। उसके बाद ये हो गया आपका केडी, जिसमें आपको यहाँ अगर हार्ड डिस्क रहेगा तो उसको यहाँ ट्रांसफ़र करना होता है। तो मैं पहले ही ये चीज़ कर चुका हूँ, पहले ही इसमें SSD लगाया था। तो अब मेरे को क्या करना है कि बस इस SSD को निकालना है, उसकी जगह पे नया वाला SSD डालना है। और आपके केस में जब आप नया मतलब पुराना लैपटॉप है और यहाँ पर आपका DVD राइटर होगा, तो KD आपको खरीदना है, यहाँ से जो हार्ड डिस्क निकलेगा उसको यहाँ पर शिफ्ट करना है। उसको शिफ्ट करने के लिए इस नट को खोलना है, उसके बाद ये पूरी तरीके से बाहर निकल जाएगा, उसके बाद इसको नट के द्वारा कसा जाता है और फिर इसको अंदर किया जाता है। तो पहले मैं इसको SSD को निकाल लेता हूँ। ये देख सकते हैं मेरा SSD निकल चुका है। अब मैं इसकी जगह पे नया वाला SSD डालता हूँ। SSD लगाना बहुत ही आसान है, बस आपको स्क्रू खोलने में जो दिक्कत या परेशानी होगी, ये देख सकते हैं मैंने बिल इसी में डाला हुआ था। इसमें मेरा स्क्रू कसने वाला नहीं है, इसलिए इसको डायरेक्ट अटैच करना पड़ता है, नहीं तो बहुतों में रहता है कि आपको इसमें से स्क्रू कसना रहता है, या इस साइड से आप कस सकते हैं स्क्रू, अगर आपका जैसा भी एडजस्टमेंट हो आपका लैपटॉप में। मेरे केस में बस सीधे इसको अंदर लगा देना और कुछ नहीं करना रहता है। तो आपको इसको पहले बढ़िया से रख लेना, उसके बाद कनेक्टर में मिला के इसको अच्छे से लगा देना है। ये मेरा अच्छी तरीके से लग गया। अब फिर से आपको ये जो अभी आपने खोला था उसको ले आना है वापस, और बस इतना ही काम था SSD लगाने में। उसके बाद अब आपको इस वीडियो में मैं फॉर्मेट करना भी सिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल इसको कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। उसके बाद इसको ऐसे करके डालना है और इसको ऐसे खपा देना बस, और कुछ नहीं करना होता है। और उसके बाद आपको दबा देना है, ये पूरी तरीके से बैठ जाएगा। उसके बाद इसमें जो स्क्रूप्स हैं उसको कस देना है वापस, जैसे जैसे खोला था हमने वैसे वैसे इसको वापस लगा देना है। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे पावर कनेक्टर है, इसको तो ध्यान से लगाना याद करके, नहीं तो आपका लैपटॉप ही नहीं ऑन होगा। तो इसको पहले ये जो इसका ब्लैक वाला है इसको ऊपर की ओर खींचना रहता है। शायद मेरा वाला थोड़ा बाहर आ गया है, अगर हाथ से नहीं हो रहा है तो ये आप इससे कर सकते हैं। शायद ये बाहर आ गया है, ये लग गया बढ़िया से। अब इसको पहले आपको थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सी ऊपर की ओर खींच लेना है। मेरा ये ख़राब है, थोड़ा ऊपर नीचे आने में दिक्कत कर रहा है। जब ये ऊपर आ जाए दोनों साइड से इसे पकड़ के आपको ऊपर खींचना है। जब ये ऊपर आ जाए उसके बाद आपको ये पावर का जो कनेक्टर है इसको इसके अंदर में डाल देना अच्छी तरीके से, और अच्छे तरीके से डालने के बाद इसको दबा के रखना। उसके बाद ये जो कवर गया इसको इसमें डाल देना है। डालने के बाद इसको यहाँ पे दबा देना,
अभी कनेक्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पे ये जो टच पैड का कनेक्टर है इसको भी अच्छे से यहाँ पे डाल के आप कनेक्ट कर लेना है। एक बार चेक करके देख लेते हैं पावर सही से कनेक्ट हुआ है नहीं, उसके लिए पहले बैटरी लगाते हैं, नहीं तो फिर सारा मेहनत बेकार हो जाएगा अगर ऑन नहीं होगा तो। अब यहाँ पे पावर बटन प्रेस करना है, देख सकते हैं सारे कनेक्टर सही से लग चुके हैं इसलिए पावर ऑन हो गया। अभी इसमें कुछ नहीं इसलिए बोल रहा है कि यहाँ पे बूट करना है, तभी इसको बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद आपका ये कीबोर्ड है, कीबोर्ड का ये देखिए यहाँ जो ब्लैक है इसको ऊपर की ओर उठाना रहता है, उसके बाद ये वाला उसके अंदर में डालना रहता है। तो चलिए इसको डाल लेते हैं। जब ये अच्छी तरीके से अंदर की ओर घुस जाए उसके बाद ये जो ऊपर से है इसको मोड़ के इसमें दबा देना है। केबल को यहाँ पे अच्छे से लगाना, नहीं कीबोर्ड नहीं अच्छे से काम करेगा। और उसके बाद यहाँ जब ये लग जाए अच्छे से उसके बाद कीबोर्ड को यहाँ से पहले इसमें इसका जो बना हुआ है उसमें इसको डालना है ऐसे करके, और इसके बाद यहाँ रख के ऐसे दबा देना। उसके बाद फिर से आपको ऐसे करना है, और यहाँ पे जो भी आपके स्क्रू लगे हुए थे आपको सारे डाल के वापस से फिर से कस देने। तो मैं फटाफट स्क्रूज को टाइट कर लेता हूँ। और जब भी आप मतलब अपने लैपटॉप में SSD लगवाएं तो आप एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि आपको जो हार्ड डिस्क है वो कैडे में ही लगवाना, बाहर जो केस लगा के करते हैं वैसे नहीं करना। उस अगर आप वैसे करते हैं तो उसमें हार्ड ड्राइव का जो वो रहता है क्रैश कर जाता है बहुत बार, और आपका जो डेटा रहेगा वो भी लॉस कर जाता है। इसीलिए मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि आपको आपका जो हार्ड डिस्क है वो कैडे में ही लगाना है। ये लॉक होता है, इसको इधर की ओर धकेलना पड़ता है इससे ये लॉक हो जाता है। उसके बाद आपको हर जगह पे स्क्रू डाल देना है जहाँ जहाँ स्क्रू थे, और उसको टाइट कर लेना है स्क्रू को। अभी मैं आपको इसमें विंडोज़ डालना भी सिखाऊंगा कि कैसे आप इसमें डाल सकते हैं। लगता है वो स्लिप कर गया है। चलिए अब आपको नेक्स्ट में दिखाएंगे कि इसमें कैसे विंडोज चढ़ाया जाता है। अगर आपको नया SSD लगाया है और उसको फॉर्मेट करके फ्रेश विंडोज चढ़ाना है तो उसको कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए आप सबसे पहले अपना माउस और ये जो आपका बूटेबल पेन ड्राइव है, जैसे मेरा ये बूटेबल पेन ड्राइव है, तो इसको आप कनेक्ट कर लें लैपटॉप के साथ। उसके बाद आपको पावर बटन दबाने के बाद F2 को प्रेस करना है। F2 पे प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे एडवांस में आना है। एडवांस के बाद आपको ये लॉजिस्टिक बूट है इसी में रहने देना है,
और उसके बाद सिक्योर बूट डिसेबल रखना है। और यहाँ जो ये डिस्केट है इसको दबा के आपको यहाँ पे USB स्टोरेज करना है, और यहाँ पे F10 दबा के इसको यस करना है। अब यहाँ पे जैसे मैंने इसको वेंट्रो के जरिए बूटेबल बनाया इसको, तो इसमें मेरे सारे तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही पेन ड्राइव में है, तो यहाँ पे आपको जो मन है उसमें ले जाके आपको इसको इंस्टॉल करना है। तो मेरे केस में ये विंडोज 11 हमको डालना है, तो विंडोज 11 में डाल के यहाँ पे ओके मार देना है। यहाँ पे आपको करेंसी अगर आप इंडिया का चाहते हैं तो इंडिया सेलेक्ट कर सकते हैं, टाइम एंड करेंसी। ये देख सकते हैं इंडिया, और उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है, इंस्टॉल में क्लिक करना है, उसके बाद आई डोंट हैव प्रोडक्ट की में क्लिक करना है, उसके बाद आपको जो वर्जन आपका इसको इसमें इंस्टॉल था उसको आपको सेलेक्ट करना है। मेरा तो विंडोज 10 प्रो चल रहा था, तो ये 11 प्रो कर रहे हैं, क्योंकि ये अगर आप सेम वर्जन अगर इसमें डालते हैं तो आपका अगर लाइसेंस होगा तो ये ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाता है नेट में कनेक्ट होते ही, इसीलिए मैं इसको वही सेलेक्ट कर रहा हूँ जो मेरे। अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि ये PC मतलब इसके लिए कैपेबल नहीं है, क्योंकि ये PC बहुत पुराना है और विंडोज 11 के लिए, तो इसके लिए बाईपास करना पड़ता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ आना है, उसके बाद शिफ्ट दबा के F10 दबाना है, शिफ्ट दबा के F10 दबाना है, उसके बाद यहाँ पे नोटपैड लिखना है, नोटपैड के बाद यहाँ पे फाइल में दबाना है, ओपन दबाना है, ओपन के बाद यहाँ पे आ जाना है, फिर आपको जो पेन ड्राइव है उसमें आ जाना है, और यहाँ पे आपको ऑल फाइल सेलेक्ट कर लेना है। तो ये मैं पेन ड्राइव नहीं सेलेक्ट किया था, कुछ दूसरा में आ गया था, ये मेरा पेन ड्राइव है यहाँ पे। अब ये जो बाईपास है इसमें आकर आपको मर्ज कर देना है, फिर ओके कर देना, इसको कट कर देना, यहाँ भी कट कर देना, यहाँ भी कट कर देना, और फिर से आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करना है, एडवांस में जाना है। अब आप देख सकते हैं ये आपका, ये मेरा जो पहले का हार्ड ड्राइव है और ये मेरा अभी का SSD है जो मैंने अभी लगाया है। तो यहाँ पे न्यू कर लेना है और अप्लाई कर देना है और ओके दबा देना है। उसके बाद ये सिस्टम रिजर्व बनता है जो सिस्टम फाइल इसमें रहता है, उसके बाद आपको ये सेकेंड वाला पार्टीशन को सेलेक्ट करना है, यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक करना है। बस थोड़ा सा और बचिए इसमें, अब जब ये रिस्टार्ट होने वाला रहेगा तो आपको इंटर दबाकर पेन ड्राइव है जो उसको खींच देना बाहर, जैसे सिस्टम बंद होगा। देखिए मैंने पेन ड्राइव निकाल दिया है, रीस्टार्ट होने के बाद पेन ड्राइव का कोई काम नहीं रह जाता है, तो पेन ड्राइव को निकाल लेना आपको। जब इंस्टॉलेशन होता है तो बहुत बार PC रीस्टार्ट होता है, तो उससे घबराए नहीं, क्योंकि जब तक ये पूरी तरह से इंस्टॉल नहीं होगा करीब 3-4 बार 5 बार रीस्टार्ट हो जाता है, तो बस वेट करें, इसको अपना प्रोसेस करने दें, और जैसे जैसे मैं वीडियो में बता रहा हूँ वैसे वैसे करते जाएं। ये इसका वेलकम स्क्रीन आ गया, अब यहाँ से सेटअप करने में आसानी होगी, और सारा जो भी सेटअप होता है आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। यहाँ पर आपको अपना कंट्री सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद यस में क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको कौन सा कीबोर्ड लेआउट चाहिए वो सेलेक्ट करना है, तो अभी मैं इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर यस करना। उसके बाद अगर और भी कोई कीबोर्ड लेआउट आप इसमें डालना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐड में कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं स्किप कर देता हूँ। अब विंडोज़ 11 में आपको अकाउंट के थ्रू सेटअप करना पड़ता है, इसलिए ये ऑप्शन आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन आप अगर यहाँ पर आई डोंट हैव इंटरनेट दबाते हैं तो बहुत कम सेटअप करना पड़ेगा, लेकिन मेरे पास नेट है तो मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे अपना वाईफाई का पासवर्ड डाल देना है जो भी हो, उसके बाद आपको नेक्स्ट क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको डिवाइस का नेम यानी ये जो लैपटॉप है इसका नाम देना है, तो मैं इसका नाम डेल रख देता हूँ।
डेल। अब यहाँ पे स्पेस नहीं देखते हैं इसीलिए यहाँ पे ये बीच में कुछ भी लगाना पड़ेगा स्पेशल करेक्टर। डेल वेस्टो ही रखता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ नेक्स्ट क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको पर्सनल में चूज करना है। अगर आप स्कूल का मतलब सेटअप करना चाहते हैं, बहुत स्टूडेंट को स्कूल में ईमेल आईडी मिलता है तो आप इसमें जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आपको पर्सनली यूज करना है तो पर्सनल में क्लिक करके नेक्स्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालना है और ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना है। तभी स्क्रीन में आने दिए, मैं बताऊँगा कैसे कैसे आपको क्या करना है। और यहाँ पे आपको अपना माइक्रोसॉफ्ट का आईडी डालना है। अगर बाय द वे आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं और आपके पास कोई भी माइक्रोसॉफ्ट का आईडी नहीं है तो यहाँ पे क्रिएट वन करके आप क्रिएट कर सकते हैं। मेरे पास अभी आईडी है तो मैं इसको डाल के आगे बढ़ा लेता हूँ, उसके बाद फिर हम आपको वीडियो में ले चलते हैं। देख सकते हैं मैं अपना आईडी में लॉगिन हो चुका हूँ यहाँ। उसके बाद आपको पिन क्रिएट करना है अपना लैपटॉप के लिए। यहाँ पर मैं पिन क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने पिन डाल के आगे बढ़ा दिया है। उसके बाद फिर से आपको नेक्स्ट नेक्स्ट एक्सेप्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ जो भी इनका रिकमेंडेशन रहता है मतलब कस्टमाइजेशन रहता है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप यहाँ से स्किप कर सकते हैं। वो बेसिकली अलग अलग तरफ के डेस्कटॉप रहते हैं, मतलब एथी के लिए अलग, गेमिंग के लिए अलग, पर्सनल एथी के लिए अलग, ऑफिशियल के लिए अलग। यहाँ पे आपको चूज करने बोल रहा है कि आप वन ड्राइव में फाइल बैकअप करने चाहते हैं कि नहीं, तो यहाँ पे ये वाला में क्लिक कर दीजिए ताकि आपका फाइल वन ड्राइव में सेव ना हो। तो अब शायद फाइनली हमारा पीसी स्टार्ट होने वाला है। ये कुछ चीज़ें हैं जिसको और सेटअप करने बाकी जो ये खुद से करता है। एक दो मिनट शायद और लगेगा तो मैं यहाँ पे स्किप कर लेता हूँ। फाइनली पीसी स्टार्ट हो चुका है, आप अब देख सकते हैं। अब इसमें आपको एक चीज़ और मैं बताता हूँ। जैसे आप पीसी स्टार्ट हो गया और आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर आपका ब्लूटूथ नहीं शो कर रहा है या भी ब्लूटूथ नहीं आ रहा है, या फिर आपको एक चीज़ मैं और दिखाता हूँ। जैसे कि FN की दबाने के बाद F4 या 3 दबाने के बाद मेरा ब्राइटनेस कम बेसी होना चाहिए, जो कि आप देख सकते हैं कि अभी कुछ नहीं हो रहा है। बस ये स्लाइडर ऊपर डाउन हो रहा है लेकिन ये नहीं हो रहा है। तो इससे आपको घबराना नहीं है। ये जितने भी इशू हैं आपके ड्राइवर अभी तक इंस्टॉल नहीं हुआ जिसके कारण है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने PC का सेटिंग खोल लेना है। जैसे आप सेटिंग में आ जाए उसके बाद अपडेट में जाना है। अपडेट में जाने के बाद यहाँ चेक फॉर अपडेट दबाना है। यहीं पे कि आपके सारे ड्राइवर्स जो है कि डाउनलोड और इंस्टॉल होते हैं। आप देख सकते हैं ये मेरा ग्राफिक्स का ड्राइवर है। ये जैसे इंस्टॉल होगा मेरा ये जो अभी ब्राइटनेस कम बेसी नहीं हो रहा था वो ठीक हो जाएगा। ये आपका नेट मतलब इसका वाईफाई का ड्राइवर है। ये इसका टचपैड का ड्राइवर है। तो इसी तरह से देखिए ये मेरा डिस्प्ले का ड्राइवर इंस्टॉल हो गया। अब आपको दिखाता हूँ मैं ये कम बेसी करके ये होने लगा होगा। देखिए ब्राइटनेस कम हो रहा है। तो बस इससे डरना नहीं है, ये आपका ड्राइवर के कारण होता है। ब्लूटूथ नहीं दिख रहा है या फिर ये सब काम नहीं कर रहा है, तो बस यहाँ पे आके आप यहाँ पे आपको सारे ड्राइवर अपडेट कर लेना है। यहाँ पे बेसिकली अभी जैसे डाउनलोड का ऑप्शन है, यहाँ पे चेक फॉर अपडेट रहे तो चेक फॉर अपडेट या डाउनलोड दबा देना है। और उसका एक यहाँ पे एडवांस में जाना है अपने सारे ड्राइवर के अपडेट के लिए। सारे ड्राइवर से वही मिल जाते हैं लेकिन कभी कभी यहाँ पे अंदर में ऑप्शनल अपडेट में जाना है। यहाँ पे ऑप्शनल अपडेट के बाद यहाँ पे आपको दबाना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे जो भी इसके ड्राइवर हैं, देखिए ब्लूटूथ का है इसलिए भी मेरा ब्लूटूथ शो नहीं कर रहा है। तो आपको यहाँ पे एक एक करके सेलेक्ट करना है। यहाँ पे थोड़ा सा ये पेज बगी है, जैसे आप सेलेक्ट करते हैं उसके बाद हैंग कर जाता है। तो एकदम आराम से इसको एक एक करके सेलेक्ट करना है। आप स्पीड में नहीं होता है, दबा दबा के छोड़ते जाइए, ऑटोमेटिक हो जाएगा। थोड़ा बगी है ये पेज, देखिए धीरे धीरे हो रहा है। तो बस आपको क्लिक करके छोड़ देना है यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ डाउनलोड एंड इंस्टॉल में दबा देना। उसके बाद ये आपको अपडेट विंडोज़ वाला पेज में ले आएगा और आपके सारे ड्राइवर को डाउनलोड करके अपने आप इंस्टॉल कर देगा। बस आपको अपने वाईफाई से कनेक्ट रखना है लैपटॉप को और इसमें पावर केबल लगाए रखें अगर आपका बैटरी नहीं है तो। अब आप देख सकते हैं यहाँ सारे ड्राइवर, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, मतलब ज़्यादा MB के नहीं होते, थोड़े थोड़े MB के होते हैं। ये तुरंत आपके हो जाएंगे।
तो चलिए इस वीडियो में इतना ही था, मैंने इसमें आपको सारे चीज़ कवर करवा दिया। आप यहाँ पे एक चीज़ और देख सकते हैं सिस्टम, मेरा इसमें पहले से लाइसेंस था तो आप देख सकते हैं ये ऑटोमेटिकली अब मतलब एक्टिवेट हो चुका है। चलिए ठीक है, बाय बाय, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।